अब हम क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट इन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी से एवी नोड सार्ड होते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा? ठीक है, तो आंसर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बंडल ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम और कोरोनरी सल्कस। तो अगर हार्ट का फिगर दिखाएं, दिस इज द फिगर ऑफ हार्ट, हार्ट का फिगर, तो यहाँ पर ये सेप्टम है और एक तरफ ये सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेप्टम का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल, शॉर्ट में इसको IAS बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। दूसरे यहाँ पर हार्ट एक सेप्टम है, इसको होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। तो ये दोनों जो सेप्टम होते हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम या कहते हैं इसको, और ये वाला सेप्टम है जो इधर है इट इज हॉरिजॉन्टल सेप्टम, इसको होते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है वो कहाँ पर लोकेशन, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नोड है इस नोड को बोलते हैं एस ए नोड, शॉर्ट में इसको एस एन बोलते हैं। और यहाँ पर इस सेप्टम के पास पे, यहाँ पर इस जंक्शन पे एक नोड है, इस जंक्शन पर इसको बोलते हैं ए वी नोड, शॉर्ट में इसको ए वी है, ठीक है। तो ए वी नोड की लोकेशन कहाँ दिख रही है आपके, इसकी लोकेशन दिख रही है आपके इंटर एट्रियल सेप्टम पर, यहाँ पर दिख रही है। सो दैट आंसर इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड।